कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने देखा कि हमारी बॉडी है उसमें जो कंट्रोल होता है वो न्यूरल कंट्रोल होता है। एक तो न्यूरल कंट्रोल हम लोग ब्रेन वाले और स्पाइनल कॉर्ड वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसी के साथ में हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, नियमन बना के रखने का काम करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे हार्मोन्स देखे। तो हार्मोन्स होते हैं क्या, केमिकल्स हैं सारे के सारे, उनको सिक्रेट करने के लिए हमारी बॉडी में हम लोगों ने देखा एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती थी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम लोगों ने जो थायराइड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल, थाइमस, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, उन सब के बारे में स्टडी की। उसी के साथ में दो ऑर्गन ऐसे भी हैं जो हमारी बॉडी में ऑर्गन की फॉर्म में रहने के साथ साथ भी एंडोक्राइन नेचर रखते हैं, मतलब कि केमिकल्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि कुछ गैनोइड ऑर्गन्स हैं, कुछ जननांग जो हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कल। हम लोगों ने देखा था मेल गैनोइड था वो टेस्टिस था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हार्मोन रिलीज बाय फीमेल गैनोइड। फीमेल गैनोइड जिसको कहा जा रहा है, उसकी संरचना का नाम क्या है, ओवरी है। ओवरी आप लोगों ने 10th क्लास में आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा कि इस टाइप से एक डायग्राम पाया जाता था कि यहाँ से एक ओवरी है, यहाँ पे गर्भाशय था। तो यहाँ पे ये जो दोनों साइड में ओवरी थी वो कहाँ बताई जाती है, हमारे उदर गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। ठीक है, एक की संरचना की बात करें तो इस टाइप की संरचना है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं बताती हूँ कि ओवरीज हमारी बॉडी में वन पेयर होती है, एक जोड़ी पाई जाती है, उसी के साथ में एब्डोमिनल कैविटी में होगी जो हमारी उदरीय गुहा है वहाँ पाई जाती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मैंने आपसे कल कहा था कि टेस्टिस को प्राइमरी ऑर्गन क्यों कहा जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहे जाने का मतलब है कि वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। जो टेस्टिस है वो क्या करता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन है वो करता है। और जहाँ ये क्या है, ये फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, तो फीमेल गैमेट है जिसको ओवम कहेंगे हम लोग, अंड जिसको कहा जाएगा, तो उसका फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, या ओवरी में होगा, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। ठीक है, और इसका नेचर कैसा है, एंडोक्राइन नेचर है। ये दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, और हार्मोन का सिक्रेशन अंदर का अंदर ही यूज हो रहा है तो उसको एंडोक्राइन नेचर हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ना, इस टाइप से हम लोग ने देखा कि आप लोगों ने सुना हुआ है कि जो मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स खूब नंबर्स में बनते हैं, लेकिन फीमेल गैमेट्स है वो बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं। ठीक है, तो एक एक को फॉर्मेट होने में पूरा 28 डेज का साइकिल चलता है। अब ये किस टाइप से 28 डेज का साइकिल चलता है, किस टाइप से ओवरी में एंड है वो डेवलप होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे से कर लेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये ओवरी की स्ट्रक्चर है, और इस ओवरी में क्या है, इस टाइप से पुट्टिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ नाम है, यदि नहीं समझ में आता तो आपको रटना पड़ेगा कि यहाँ पे पुट्टिकाओं का फॉर्मेशन होता है इस ओवरी में। तो इन पुट्टिकाओं के फॉर्मेशन वाले टाइम वहाँ से दो हार्मोन्स हैं वो सिक्रेट होंगे, उन दोनों हार्मोन्स का नाम क्या हुआ, एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। कल हम लोगों ने जो मेजरली पढ़ा था, मेजरली हम लोगों ने देखा था एंड्रोजन, क्या देखा था, एंड्रोजन जो मेल गैमेट से रिलीज, जो मेल ऑर्गन है उससे रिलीज होने वाला था वो कौन सा था, एंड्रोजन। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में डिस्कस हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ एस्ट्रोजन के बारे में। मैंने कहा ना कि पुट्टिकाओं का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखा जाए तो मैं अभी आपको ये समझाने लगूँ तो मतलब मैं घंटे पर समझाते जाऊंगी, तब तक मैं पुट्टिका के फॉर्मेशन तक नहीं पहुंचूंगी। लेकिन अभी आपको यहाँ पे जो मेजरली ध्यान में रखना है, मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में वर्क वगैरह बता दूंगी, लेकिन आपको यहाँ पे जो बोर्ड के लेवल पे ध्यान रखना है वो इतना ही ध्यान में रखना है कि ओवरीज है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। दो नाम रट्टे से भी काम चल सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, उसके बाद में रिप्रोडक्शन में आपको इसको ये सारी की सारी चीज़ है वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन में पुट्टिकाओं का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये फॉलिकल्स या पुट्टिकाएं इस एस्ट्रोजन का सिक्रेशन है वो करती है। ठीक है, ध्यान में रखना, पुट्टिकाओं के द्वारा एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है, फॉलिकल के द्वारा सिक्रेशन हो रहा है एस्ट्रोजन का। अब इसके रोल क्या क्या है, जैसे कल हम लोगों ने एंड्रोजन के रोल देखे थे, तो वो एंड्रोजन से और एस्ट्रोजन के आपने मिलते जुलते से रोल है। उसमें हम लोगों ने देखा था डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स,
जो भी मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे, जैसे हम लोगों ने बात की दाढ़ी मुचकाना, आवाज का भारी हो जाना, ठीक है, कंधों का चौड़ा होना हो जाना, तो ये सारे लक्षण किसमें थे, मेल में थे। तो उसी टाइप से हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो फीमेल्स में होता है। तो फीमेल्स में 10 से 12 साल की एज में जो चेंजेस आते हैं, टीन एज में आने के बाद में जो चेंजेस आते हैं, उनमें हाई पिच ऑफ वॉइस, आवाज़ है वो तीखी हो जाती है, हाई पिच हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों का विकास, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो रज चक्र है, पीरियड्स जिसको कहा जाता है, उनका आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाले सारे कैरेक्टर्स हैं वो किसके हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल के। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, कल भी हमने ये बात पढ़ी थी कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन थे, मतलब सेक्सुअल जो भी सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं जो ओवरीज के अलावा पाए जाते हैं, ठीक है, तो उन सबका डेवलपमेंट में यहाँ एस्ट्रोजन है वो अपनी भूमिका निभाता है। उसी के साथ में कंट्रोल सेक्सुअल बिहेवियर इन मेल्स, जो आज हम लोगों ने तीनों पॉइंट पढ़े वो एंड्रोजन में हम लोगों ने कल पढ़े थे, जिसको हम लोगों ने लिबिडो कहा था, ठीक है, कि मेल सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम है वो एंड्रोजन के पास में। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे ये सारे के सारे इसके रोल देख चुके। उसी के साथ में हमें प्रोजेस्टेरोन भी देखना है। अब जो मैंने यहाँ पे साइकिल में यहाँ पे फॉलिकल्स बहुत सारी बना के एक साइकिल बनाया है ना, तो उसका मीन्स ये है कि जो मैंने कहा कि एक एंड के फॉर्मेशन में 28 दिन का जो चक्र चलता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहेंगे, रज चक्र कहेंगे, अब वो साइकिल है वो किस टाइप से वर्क करेगा। तो यहाँ से मानो यहाँ से साइकिल बनना शुरू हुआ और 28 का जो हाफ होता है 14th डे पे, तो 14th डे पे ये फॉलिकल है ये क्या हो जाएगा, एकदम परिपक्व हो जाएगा। तो परिपक्व होने पे इसको क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। अब आप कहोगे कि मैम नाम तो सुना सुना लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने रिप्रोडक्शन है उसको थोड़ा बहुत है 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो जो ग्राफियन पुट्टिका बन गई, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, ये ग्राफियन फॉलिकल से यहाँ से ऊसाइट है, जो अंडप है ऊसाइट है, ठीक है, मोस्टली तो ये द्वितीयक अंडक होता है, तो द्वितीयक अंडप है ये किस टाइप से, एग नहीं बोलेंगे इसको, द्वितीयक अंडप बोलेंगे। ये सारी की सारी डिस्कशन हम लोग रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, यहाँ उलझने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, इसको आप एग मान के चल सकते हो कि एग यहाँ से रिलीज हो गया, ओवरी से रिलीज हो गया, ठीक है, मैं यहाँ से इसको ओवरी से रिलीज कर देती हूँ, ठीक है। ओवरी से रिलीज होना तो इसको क्या कहेंगे, एंडोसर कहेंगे, ओव्यूलेशन कहेंगे। तो ओव्यूलेशन के रिलीज होने के बाद में क्या है कि इसके बाहर ये जो कवरिंग दिख रही है आपको, ये वाली कवरिंग, ठीक है, अब ये कवरिंग है ना ये येलो कलर के रूप में रुक जाती है वहीं पे, मतलब कि एग है वो तो वहीं से बाहर चला गया, लेकिन जो ये कवरिंग है वो यहाँ की यहीं रह गई। इस कवरिंग को क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करती है। अब आपको जो बात ध्यान में रखनी है यहाँ पे एकदम पूरे अच्छे से याद में, तो ये ध्यान में रखना, एस्ट्रोजन का निर्माण फोलिकल से होता है और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण कार्पस ल्यूटियम से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके जो 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एक एक नंबर के, तो उसमें ये पूछा जाता है कि प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कौन सी कोशिकाएं करती है, तो कौन सी करेगी, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, तो कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। अब आगे पूछ लिया प्रोजेस्टेरोन के दो कार्य लिखो, जिस टाइप से हम लोगों ने इसके कार्य लिखे, इसके फंक्शंस देखे, उसी टाइप से हमें प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन भी ध्यान में होने चाहिए। अब प्रोजेस्टेरोन के क्या फंक्शन होंगे भाई, प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन होंगे डेवलपमेंट ऑफ एल्वोलाई, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है, मेमोरी ग्लैंड्स में जहाँ पे मिल्क को स्टोर किया जाता है, ठीक है, मिल्क को फॉर्मेट किया और मिल्क को फॉर्मेट करने के बाद में जो स्टोर किया जाता है, तो उस स्टोर का जो है वो होती है एल्वोलाई। उन एल्वोलाई का फॉर्मेशन है वो कहाँ, कुपिकाओं का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, प्रोजेस्टेरोन के द्वारा प्रेरित किया जाता है। फिर मिल्क सिक्रेशन, जो दुग्ध स्रावण है, मिल्क सिक्रेट होना है, तो वो भी किससे कंट्रोल किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन के बारे में, ठीक है। अब आप कहोगे कहीं मैम हम ऑक्सीटोसिन पढ़ते हैं, कहीं रिलैक्सिन पढ़े, तो ये हार्मोन्स हम लोग और डिस्कस करेंगे। यहाँ जो एंडोक्राइन नेचर के जो है, देखे जो बॉडी को अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं, उनके बारे में डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में कर रहे हैं। मिल्क सिक्रेट हो गया, ठीक है, तो मिल्क को बाहर सिक्रेट कर रहे हैं, बॉडी से बाहर सिक्रेट कर रहे हैं, तो उनको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब हम रिप्रोडक्शन वाली यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क सिक्रेशन में यूजफुल है। फिर मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम, उसको अनुरक्षण प्रदान करने का काम, जो गर्भाशय के अंदर प्लेसेटा के अंदर बेबी है वो डेवलप हो रहा है, उसको 9 महीने तक मेंटेन रखने का काम है वो किसके पास में,
प्रोजेस्टेरोन के पास में, ठीक है। तो गर्भावस्था या प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने का काम। अब ये थर्मोजेनिक हार्मोन भी है, मतलब बॉडी के अंदर गर्मी उत्पन्न करने वाला थर्मोजेनिक हार्मोन है ये, ठीक है, थर्मोजेनिक। इसको एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। एंटी अबॉर्शन हार्मोन का मतलब ये हुआ, हम लोग देख रहे हैं ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा हुआ कि प्रोजेस्टेरोन की कमी हो गई, तो प्रोजेस्टेरोन की कमी आने से वो जो प्रेगनेंसी है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, और मेंटेन नहीं करने से क्या होगा, अबॉर्शन हो जाता है, तो इसको एंटी अबॉर्शन हार्मोन कहते हैं। अबॉर्शन के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में है, तो अबॉर्शन एंटी अबॉर्शन हार्मोन है, किसको कहा जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन को कहा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे इसके दो दो फंक्शन हो गए, एस्ट्रोजन और या प्रोजेस्टेरोन के। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एंड्रोवर्ड यूज ही मेल के लिए किया जाता है, ठीक है, तो एंड्रोजन है वो मेल में रहेगा और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो कहाँ रहेंगे, हमारे फीमेल हार्मोन्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो डिस्कस करने के बाद में हमारी जो पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका। उसी के साथ में हम लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट और फिफ्थ यूनिट पहले ही कंप्लीट कर ली थी, तो फर्स्ट यूनिट के मैं आपको टेस्ट पेपर है वो प्रोवाइड करवा चुकी, उससे बाहर टेस्ट पेपर नहीं जाता मोस्टली, ठीक है। और उसी के साथ में जो एक्सक्रीशन था उसके लिए हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी। अब ये है कि हर एक चैप्टर के बाद में उसकी प्रैक्टिस हो जाए आपको, तो वो आपके लिए भी बेटर रहेगा और मेरे को भी ये समझ में आएगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं या कितना नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो अभी आने वाले दिन हैं, जैसे आपके होते हैं ना कि अगस्त सेप्टेम्बर में आपके फर्स्ट टेस्ट होते हैं, तो उसी टाइप से हम लोग टेस्ट सीरीज चलाने वाले हैं। तो आपको इसमें आपको जैसे नेक्स्ट चैप्टर है वो तो आपको ब्रेन वाला स्टार्ट करवाऊंगी मैं, जो न्यूरल कंट्रोल रहेगा आपका, ठीक है। लेकिन आपको अभी क्या करना है कि अभी जितने चैप्टर हो चुके जैसे 21, 22, 23, 24, ठीक है, 25th चैप्टर का आपने टेस्ट ले लिया था, लेकिन इन चार चैप्टर का और उसी के साथ में हम लोगों ने 30वां चैप्टर जो पढ़ा था जो हमारे उससे रिलेटेड था, ये बोन्स से रिलेटेड, बोन्स और मसल से रिलेटेड, तो उनके टेस्ट है वो अभी बकाया रहे हुए। तो हम जो बात करेंगे आज, आप ये चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो कल टेस्ट पेपर रहेगा वो कल इसी पूरे के पूरे चैप्टर का रहेगा, ठीक है। तो वही आपको हर एक चैप्टर का 56 नंबर का टेस्ट दिया जाएगा, जिससे आपके बोर्ड लेवल की तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग अब टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। जिन्होंने पुरानी, जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं वो तो पुरानी यूनिट्स पढ़ रहे हैं अभी, तो वो उनको आप बोल सकते हैं कि आपके टेस्ट सीरीज है जो चैप्टर आपने पढ़ लिया वो उसके आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और जो अभी है, जो अभी मेरे बराबर चल रहे हैं अभी वीडियोस में, तो वो लोग क्या करें, अभी एक हफ्ता है वो टेस्ट दें, ताकि आप लोगों का माइंड आपको लगे कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके लिए यूजफुल है, रिविजन आपका इतने चैप्टर्स का अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पर सुरक्षित रहिए। थैंक यू।